A very good morning, students. In today's class, we will be discussing Gauss quadrature formula. इससे पहले हमने trapezoidal rule, Simpson's 1/3 and Simpson's 3/8 rule करा है. Same chapter, chapter number 8 का है हमारे पास Gauss quadrature formula. Gauss quadrature formula, quadrature से क्या पता चलता है कि जो function है that f of x is of single value. क्वाड्रेचर फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, तो वही है. वी शैल डिस्कस अ मेथड फॉर अ क्वाड्रेचर व्हेन आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म कि इंटीग्रल ओवर द लिमिट्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन डब्ल्यू आई एफ ऑफ एक्स आई. यहाँ पर डब्ल्यू आई क्या रेफर करता है? वेट्स, रेफर्स टू वेट्स. ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास एन की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 टू एन, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आएगा जहाँ पर n की वैल्यूज हमें मेंशन होगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वेट की वैल्यू मेंशन होगी और फंक्शन की. ठीक है, इस मेथड में हमें क्या करना है, जो हमारे पास इंटरवल होगा a से b उसको कन्वर्ट करना है हमें माइनस वन से वन तक. तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू. अब मैंने लिमिट्स को चेंज करा ना ए बी से माइनस वन टू वन, मतलब जब when x is equals to a, तो u तो हमें मेंशन है, लेट इट बी हम x f of x है ना, तो अब फंक्शन कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है f से लेकर u तक, क्योंकि मैंने x को क्या पुट करा है? p प्लस क्यू यू, यही सब्सिट्यूट करा है, p प्लस क्यू यू करा है. तो मतलब अगर मैं f of x लूँगी तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ u वाली फॉर्म आ जाएगी, और u क्या है? माइनस वन. यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट करी, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई. ठीक है, ए और बी की वैल्यू आने के बाद आपने जस्ट इनको सॉल्व करा दो इक्वेशंस को, पी की वैल्यू एंड क्यू की वैल्यू आ गई. अब पी और क्यू की वैल्यू किसमें सब्सिट्यूट करोगे? इसमें. तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय टू प्लस बी माइनस ए बाय टू यू. तो जब भी आपके पास गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या सब्सिट्यूट करना है? एक्स इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइ ऑफ यू में. तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, हेंस द सब्स्टिट्यूशन इज दिस. तो डी एक्स क्या होगा? डी एक्स हमारे पास ये तो स्केलर हो गया, तो जीरो हो गया, बी माइनस ए बाय टू डी ऑफ यू. ठीक है, तो गिवन इंटीग्रल कैसे बन जाएगा? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने फाइ ऑफ यू ले लिया क्योंकि एक्स किस पे है? एक्स को जो हमने पुट करा है पी प्लस क्यू यू है, तो फंक्शन ऑफ यू हो गया, और डी एक्स की वैल्यू सब्सिट्यूट करी तो ये आ गया. अब यहाँ पर जो डी एक्स की वैल्यू आई है, जो इसके साथ स्केलर आया वो बाहर ही आया, तो ये मेंशन रखना कि ये वाली टर्म बाहर ही रहेगी. और इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एज अ समेशन ऑफ डब्ल्यू आई फाई ऑफ यू आई, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था यहाँ पर दैट दिस इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस. अब हमने फंक्शन एफ किस में चेंज हो गया हमारा? फाई में. तो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज दिस. ठीक है, तो जस्ट खाली ये वाला पार्ट कैन बी रिटन एज दिस, बी माइनस ए बाय टू एज इट इज रहेगा. इज इट राइट गर्ल्स? लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. बिफोर दैट यहाँ पर हमारे पास वेट्स फॉर द गॉसियन इंटीग्रेशन है. जैसे हमें समेशन हमें मेंशन है कि समेशन इज़ फ्रॉम आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, तो मतलब एन की वैल्यू हमें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, या वो टू होगी या वो थ्री होगी या फोर होगी या फाइव होगी एंड सो ऑन. तो आपके पास ये टेबल मेंशन है कि जब एन की वैल्यू टू है तो यू वन की वैल्यू ये है, यू टू की वैल्यू ये है, यू वन के कॉरेस्पॉन्डिंगली वेट वन की वैल्यू ये है एंड सो ऑन. नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको मेंशन होता है कि एन की वैल्यू क्या है. अगर नहीं मेंशन है तो आप थ्री तो कंसिडर करोगे ही, ठीक है ना, क्योंकि फोर फाइव तो अगर मेंशन हो तभी यूज़ करो, अगर नहीं मेंशन है तो आप थ्री तो यूज़ करो. इज इट राइट गर्ल्स? लेट अस स्टार्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट. फाइंड आई इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 टू 1 एक्स डी एक्स बाय गॉस फॉर्मूला विद एन इज इक्वल्स टू 4 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस. अब इन्होंने मेंशन कर दिया ना कि एन इज इक्वल्स टू 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स हम ये जो लिमिट्स होते हैं उसको चेंज करते हैं माइनस वन टू वन के लिए. माइनस वन टू वन के लिए करते हैं तो हमें क्या सब्सिट्यूट करना पड़ता है? एक्स इज इक्वल्स टू पी प्लस
क्यू यू। पी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, बी बी प्लस ए बाय टू, और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, बी माइनस ए बाय टू। तो वहाँ पर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करें, बी की वैल्यू हमारे पास ए टू बी है ना, तो ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू वन, यहाँ सब्सिट्यूट करो तो एक्स की वैल्यू आ गई। डी एक्स क्या आ जाएगा, बेसिकली डी यू बाय टू, क्योंकि वन बाय टू तो जीरो हो जाएगा ना हमारे पास, जैसे इसको एक्स इज इक्वल्स टू यू बाय टू प्लस वन बाय टू, डेरीवेट करोगे डी एक्स तो क्या आ जाएगा, डी यू बाय टू प्लस जीरो, तो वो यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही मेंशन करा था ये जो टर्म होती है ये तो बाहर आई जाएगी, तो हमने क्या करा, डी ऑफ एक्स की जगह, फंक्शन की जगह, एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया, यू प्लस वन बाय टू, तो यहाँ पर ये सब्सिट्यूट करा। ठीक है, और डी एक्स की जगह डी यू बाय टू, तो ये वाली टर्म बाहर ली, और टू भी बाहर लिया, तो वन बाय फोर इंटीग्रल माइनस वन टू वन यू प्लस वन डी ऑफ यू आ गए। ठीक है, अब एन की वैल्यू फोर है ना, तो दिस इंटीग्रल, ये वाला जो इंटीग्रल है कैसे लिखा जाएगा, वन बाय फोर समेशन एन इज इक्वल्स टू, सॉरी आई इज इक्वल्स टू वन टू फोर फाई ऑफ यू आई डब्ल्यू आई। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो जब वन पुट करा डब्ल्यू वन फाई यू वन, फिर टू पुट करा प्लस डब्ल्यू टू फाई यू टू एंड सो ऑन, यहाँ पर फाई यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू आई प्लस वन। ठीक है, क्योंकि हमें मेंशन है कि फाई ऑफ यू आई की वैल्यू यू आई प्लस वन है, और हमें मेंशन है कि एन की वैल्यू फोर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग दिस वन कि यू वन इज दिस। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली फाई ऑफ यू वन क्या हो जाएगा, वन प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ऑफ 0.86113 6 है ना, क्योंकि हमें बोला है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक ही कंसिडर करोगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली फाई ऑफ यू टू करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस ऑफ 0.33998 आ जाएगा। ठीक है, फाई ऑफ यू थ्री क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस ना, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, तो 1 प्लस 0.33998 आ जाएगा। फाई ऑफ यू फोर क्या आ जाएगा, माइनस में है ना, तो 1 प्लस 0.86114। ठीक है ना, और कॉरेस्पॉन्डिंगली वेट्स दे रखे हैं, ये वैल्यूज आप कहाँ सब्सिट्यूट करोगे, इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स कंप्यूट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स 5 टू 12 1 बाय एक्स डी एक्स बाय अप्लाइंग गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है कि एन की वैल्यू क्या है, वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जिस केस में हमें मेंशन ना हो तो हम क्या कंसिडर कर देते हैं, 3 तो कंसिडर कर ही सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो लिमिट्स हैं ए बी को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, माइनस वन वन में, तो हम 5 12 को किस में कन्वर्ट करेंगे, माइनस वन वन में। उसके लिए x को क्या पुट करोगे, b प्लस ए बाय टू प्लस बी माइनस ए बाय टू यू में, तो डी एक्स बाय टू डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7 बाय टू डी ऑफ यू। ठीक है, अभी 7 बाय टू एज इट इज़ बाहर आएगा, और यहाँ पर आप 1 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स मीन्स 10, तो ये आ जाएगा। इसको आप क्या कंसिडर करोगे, ये वाली टर्म क्या हो गई, फाइ ऑफ यू, तो इसका मतलब फाइ ऑफ यू आई लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 7 यू आई, क्योंकि यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 3 है, तो क्या आ जाएगा, 7 बाय 2, ठीक है, डब्ल्यू वन फाइ यू वन प्लस डब्ल्यू टू फाइ यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री फाइ यू थ्री। ठीक है, अब एन की वैल्यू 3 है, तो फाइव यू वन फाइव यू टू फाइव यू थ्री की वैल्यू से पहले हमें यू वन यू टू यू थ्री की वैल्यू चाहिए, एंड वेट्स की वैल्यू चाहिए, दैट इज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री। वो कहाँ से आएगी, इस टेबल से, टेबल में हमारे पास यू वन की वैल्यू भी पता है, यू टू की, यू थ्री की भी, कॉरेस्पॉन्डिंगली वेट वन वेट टू वेट थ्री की वैल्यू भी पता है, जस्ट उसमें सब्सिट्यूट करना है। यू वन के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम फाइव ऑफ यू वन निकाल सकते हैं, जो हमें वहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, एंड सो यहाँ सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जैसे ये है ना, 2 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 7 यू वन, यू वन की वैल्यू ये है। ठीक है ना, अप टू 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक आप कर सकते हो। इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स एग्जांपल नंबर 10। इवेल्युएट द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx बाय गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। अब n की वैल्यू चूज ही तो करनी है, यू कैन चूज एनीथिंग, 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने
एन की वैल्यू टू सब्सिट्यूट करिए। क्यों सब्सिट्यूट करिए? क्योंकि जब हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं यू में तो वो काफ़ी बड़ी फॉर्म बन रही है, तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे जैसे जैसे हम एन की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमने एन की वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर दी। नाउ वी ट्रांसफॉर्म द इंटरवल 0 to 3 to -1 to 1। तो सेम एज इट इज सब्सिट्यूशन करोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 + 3/2 u, यहाँ सब्सिट्यूट करोगे आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स फाई ऑफ यू में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाई ऑफ यू काफ़ी बड़ा बन रहा है, तो हमने इसमें एन की वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर दी ताकि हमारे कैलकुलेशंस और कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उसके बाद सेम प्रोसेस है, जस्ट सॉल्व करना, एन की वैल्यू टू है तो क्या आ जाएगा w1 φ u1 + w2 φ u2, सॉल्व करके आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट राइट गर्ल्स? नेक्स्ट कम्स एग्जाम्पल नंबर 11। क्या कह रखा है यहाँ पर? इवेलुएट इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट 0 to 2 इन √1 + 4x बाय गॉस 2 पॉइंट फार्मूला। गॉस 2 पॉइंट फार्मूला मीन्स एन की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 2 लेनी है, बस 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्सिट्यूशन करनी है। ठीक है गर्ल्स, ये सारी कैलकुलेशंस हैं, आप खुद कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो डू आस्क मी इन लाइव डाउट क्लास या फिर ऑफलाइन क्लासेस में। इज इट राइट गर्ल्स? थैंक यू।